अभी एग्जांपल देखिए, अ पार्ट ऑफ मंथली होस्टेल चार्जेस इज फिक्स्ड. ओके, आप जानते हैं होस्टेल चार्जेस जो है ना, उसमें कौन से चार्जेस इंक्लूड होते हैं. तो एक चार्ज तो उसका फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस. बात आई समझ में? यानी होस्टेल का जो भी चार्ज है, तो वो चार्ज किस तरह का होता है? तो एक तो होता है फिक्स चार्ज. ये इस तरह का एग्जाम्पल हमने किया है, देखिए टैक्सी में. ओके, टैक्सी इन अ सिटी, उसमें ऐसा ही था. तो एक चार्ज फिक्स होता है और सेकंड चार्ज डिपेंड करता है कि हमने कितने दिन फूड लिया है. ओके, अभी देखिए, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर वो 20 डेज फूड लेती है, शी हैज़ टू पे ₹1,000 एज अ होस्टल चार्जेस. वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1,180 एज अ होस्टेल चार्जेस. फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. दैट मीन्स इन दिस एग्जाम्पल देयर आर टू अननोन क्वांटिटीज एंड वी यूज वेरिएबल्स फॉर दैट अननोन क्वांटिटीज. ओके, यहाँ पे दिया ना, फाइंड द फिक्स चार्जेस. सो लेट द फिक्स चार्ज बी, कितना लेंगे हम फिक्स चार्ज, इज इक्वल टू ₹X. ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, पर डे का मतलब एक दिन. अगर आप एक दिन फूड लेते हो तो आपको ₹Y देने पड़ेंगे. अभी स्टूडेंट ए के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा. अब देखिए, अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, शी हैज टू पे ₹1,000. अब देखिए, ये 1,000 में दो तरह के चार्जेस इंक्लूड है. तो सबसे पहले फिक्स चार्ज तो है ही, वो तो देना ही पड़ेगा. अभी ये जो सेकंड चार्ज है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी डेज शी टुक द फूड. तो उसने कितने दिन के लिए फूड लिया है, 20 डेज के लिए. अगर कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹Y, एक दिन अगर आप फूड लेते हैं तो आपको ₹Y देना पड़ेगा. तो अगर उसने 20 डेज फूड लिया है तो उसको कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे, तो 20Y, और ये टोटल हो गया 1,000. तो इस तरह से अपना फर्स्ट कंडीशन बन जाता है, यानी एक्स प्लस 20Y इज इक्वल टू 1,000. वेरी सिंपल. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज एक्स प्लस 20Y इज इक्वल टू 1,000. ये हुआ अपना इक्वेशन नंबर 1. अभी स्टूडेंट बी के लिए आप इक्वेशन तैयार कर सकते हैं. देखिए, स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने 26 डेज फूड लिया है एंड पेज ₹1,180. अभी इसमें दो तरह के चार्जेस है, एक तो फिक्स चार्ज है ही और सेकंड चार्ज कौन सा है, फूड का. अगर एक दिन फूड लेते हैं तो ₹Y देना पड़ेगा, और अगर 26 डेज फूड लेते हैं तो उसको 26Y इतना चार्ज देना पड़ेगा. और टोटल चार्ज कितना है, सो एक्स प्लस 26Y इज इक्वल टू 1,180. सो एक्स प्लस 26Y इज इक्वल टू 1,180. आई बात समझ में? बस ये इक्वेशन तैयार करना इम्पॉर्टेंट है. ओके, इसको भी सॉल्व करेंगे. तो अभी एलिमिनेशन मेथड तो अच्छी है ही, और यहाँ पे देखिए, एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, इधर ही करेंगे हम, एक्स प्लस 20Y इज इक्वल टू 1,000 एंड एक्स प्लस 26Y इज इक्वल टू 1,180 एलिमिनेट करना है. तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ऐसे एलिमिनेट मत करना, ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एलिमिनेशन तभी होगा जब एक नंबर पॉजिटिव एक्स होगा और दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, तभी वो एलिमिनेट होगा. तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका साइन चेंज करना पड़ेगा. तो साइन किस में चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्शन में. तो अभी हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो रूल है सभी साइन चेंज होती है, यहाँ पॉजिटिव था.
निगेटिव बन गया। इस तरह से द वेरिएबल एक्स गेट कैंसल्ड। 20y - 26y इट विल बिकम -6y इज इक्वल टू नाउ 1180 - 1180। ये देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा ही, तो ये बन जाएगा 081, दैट मीन्स -180। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आ गया है -6y इज इक्वल टू -180। नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाती है, सो y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6। ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में चला जाएगा, इज इक्वल टू 30। y क्या था? कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹30। अभी हम x निकालेंगे, तो y तो निकल गया, अभी x कहाँ से निकालेंगे? इक्वेशन 1 से। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है x + 20y इज इक्वल टू 1000। पुट वैल्यू ऑफ y, सो x + 20 × 30 इज इक्वल टू 1000, या इंटू लिखेंगे तो भी चलेगा, तो x + 600 इज इक्वल टू 1000, सो x इज इक्वल टू 1000 - 600, दैट मीन्स इट विल बिकम 400। ठीक है, तो इस तरह से x तो आ गया है। अभी x क्या था? x was the fixed charge and y was the cost of food per day, and therefore last statement, and therefore the fixed charge, last statement लिखना ज़रूरी है, the fixed charge is equal to ₹400। ओके, ठीक है ना, 400। ओके, एंड द फूड चार्ज और द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू रुपीज कितना आया है? 30। अब टैली करेंगे प्रॉब्लम को। देखिए 20 डेज उसने फूड लिया है ना, 20 डेज, तो उसको 400 तो देना ही पड़ेगा, प्लस एक दिन का 30, तो 20 डेज का 600, तो इस तरह से उसको देना पड़ेगा 1000। ये हमने ए के लिए टैली किया, आप बी के लिए भी टैली कर सकते हैं। ठीक है,